गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सीता सोनी, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज सुजानगढ़ चूरू। आज हम बीएससी थर्ड ईयर की सेकेंड यूनिट की बात करते हैं, जिसका टॉपिक है मनुष्य में लिंग सहलग्नता। तो मनुष्य में लिंग सहलग्नता की तीन श्रेणियां पाई जाती हैं। इसमें पहली श्रेणी जो है उसमें है मनुष्य में अप्रभावी लिंग सहलग्न जीन, रिसेसिव सेक्स लिंक्ड जीन इन मेन। तो मनुष्य में लगभग 20 लक्षण ज्ञात है जो अक्ष गुणसूत्रों पर स्थित लिंग सहलग्नता के उदाहरण होते हैं। इनमें से आपके सिलेबस में दो रोग दिए गए हैं, पहला है वर्णांधता, दूसरा है हीमोफीलिया। पहला है वर्णांधता, कि वर्णांधता को रंगांधता या कलर ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। मनुष्य में वर्णांधता का प्रथम बार वर्णन जो है वो हॉर्नर के द्वारा किया गया था। यह एक अक्ष सहलग्न जीन के कारण उत्पन्न होने वाला नेत्र देश होता है। इस रोग में रोगी लाल व हरे रंग में विभेदन नहीं कर पाता है। वर्णांधता के अंदर रोगी के अंदर जो है वो लाल और हरे रंग में विभेदन की क्षमता नष्ट हो जाती है। यह दोष एक अप्रभावी अक्ष सहलग्न जीन के कारण से होता है। यहाँ उदाहरण के द्वारा, विभिन्न उदाहरणों के द्वारा इसको समझाया गया है, जिसमें कैपिटल सी जीन जो है सामान्य जीन और स्मॉल जीन सी जीन जो है वो वर्णांध जीन को यहाँ रिप्रेजेंट कर रही है। इसमें पहला क्वेश्चन जैसे कि एग्जांपल के रूप में यहाँ दिया गया है कि यदि सामान्य मादा का विवाह रंगांध नर के साथ में या वर्णांध नर के साथ कर दिया जाए तो उत्पन्न संततियाँ कैसी होगी। तो इसमें देखिए आपकी क्रॉस के द्वारा समझाया गया है कि सामान्य मादा और वर्णांध पुरुष का विवाह होने पर उसकी जो संततियाँ हैं उसमें सभी मादाएँ जो होगी वो वाहक होंगी और सभी नर जो होंगे वो सामान्य होंगे। दूसरा एग्जाम्पल इसमें रिप्रेजेंट कर रहा है कि यदि वाहक मादा का विवाह सामान्य नर से कर दिया जाए तो संततियां कैसी होगी। तो इसमें 25% संततियां जो है सामान्य मादाएं, 25% संततियां सामान्य नर, 25% संततियां वाहक मादाएं और 25% संततियां जो है वो रोगी नर के रूप में होगी। इस प्रकार से इसमें कई प्रकार के एग्जाम्पल दिए गए हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि यदि वर्णांध मादा और रोगी नर का विवाह कर दिया जाए तो उत्पन्न संततियां कैसी होगी। तो इसका लास्ट जो क्रॉस है ये देखिए आप, इसमें जो मादाएं जो होंगी वो रोगी होंगी और नर जो होंगे वो भी रोगी होंगी, सभी मादाएं रोगी और सभी नर भी जो हैं वो रोगी होंगे। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के जो जीनोटाइप और फिनोटाइप जो है यहाँ रिप्रेजेंट किए गए हैं, इनको आप अपने नोटबुक में अलग अलग से जो है क्रॉस करवा के इनको देख सकते हैं। यदि हम वर्णांधता की बात करें तो वर्णांधता अधिकांशतया जो है वो नरों के अंदर पाई जाती है। नर कभी भी वर्णांधता के वाहक नहीं होते हैं, सिर्फ मादाएं ही वर्णांधता की वाहक होती हैं। मादा में वर्णांधता के लिए दोनों अप्रभावी जीनों की उपस्थिति आवश्यक होती है। वर्णांध माता के पिता सदैव वर्णांध होते हैं, यह सदैव वर्णांध पुत्रों को ही जन्म देती है। एक वर्णांध महिला की पुत्रियाँ वर्णांध होती है, जबकि उसका पति भी यदि वर्णांध हो। दूसरा जो इसके अंदर है आपके हीमोफीलिया, हीमोफीलिया भी एक लिंग सहलग्न रोग है। यह एक अप्रभावी अक्ष सहलग्न जीन के कारण होता है। हीमोफीलिया रोगी में चोट लगने पर रक्त बहता रहता है, जिससे रोगी की मृत्यु तक हो सकती है। नर में एक अप्रभावी जीन ही रोग उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त होता है। महिलाएं विषम युग्मजी अवस्था में वाहक की तरह कार्य करती है और मादाओं में हीमोफीलिया की संभावना अत्यल्प होती है, क्योंकि यह जीन जो होगा वो समयुग्मजी अवस्था में ही इसके अंदर जो है रोग उत्पन्न करेगा। विषम युग्मजी अवस्था में महिलाएं जो है केवल वाहक का कार्य करती है। समयुग्मजी अवस्था में मादा की उत्पत्ति की संभावनाएं बहुत कम हैं, क्योंकि हीमोफीलिक नर की आवृत्ति यदि हम देखें तो 10,000 पुरुषों में एक, जबकि मादाओं में जो है समयुग्मजी मादा की आवृत्ति जो है वो 10,00,000 में से एक होती है। एक हीमोफीलिक लड़की युवावस्था तक पहुंचने पर अधिक रक्तस्राव होने के कारण से मृत्यु उसकी हो जाती है। एग्जाम्पल इसके यदि हम देखें अलग अलग से, कि पहला क्वेश्चन जैसे बन रहा है, यदि एक सामान्य मादा का विवाह हीमोफीलिक नर से कर दिया जाए तो उसकी संततियां कैसी होंगी। तो इसमें सभी मादाएं वाहक होंगी और सभी नर जो है वो सामान्य होंगे।
दूसरा क्वेश्चन यह बन रहा है कि वाहक मादा का विवाह है सामान्य नर से कर दिया जाए तो कैसी होगी संततियाँ। तो 50% मादाएँ सामान्य, 25% मादाएँ सामान्य, 25% नर सामान्य, 25% मादाएँ जो है वो वाहक और 25% जो नर है वो रोगी होंगे। इसी प्रकार से कई एग्जाम्पल दिए गए हैं जिनको आपको अलग अलग से नोटबुक के अंदर करना है। लास्ट जो एग्जाम्पल है इसको हम ले रहे हैं कि यदि एक हीमोफीलिया से ग्रसित मादा का विवाह है रोगी नर से कर दिया जाए तो क्या होगा। तो सभी मादाएं और नर जो उत्पन्न हो रहे हैं इसके अंदर, इसकी ऑफस्प्रिंग जो जितनी भी होगी संततियाँ वो सभी रोगी उत्पन्न होगी। पुत्रों को इन लक्षणों के जीन कभी भी पिता से प्राप्त नहीं होते हैं, यानी हीमोफीलिया या वर्णांता के जीन जो है वो पिता से प्राप्त नहीं होते हैं बल्कि माताओं से ही प्राप्त होते हैं क्योंकि इसके जीन अक्ष गुणसूत्र के ऊपर स्थित होते हैं। तो पुत्रों को इनके लक्षणों की जीन जो है कभी भी पिता से नहीं मिलते क्योंकि पिता का अकेला एक्स गुणसूत्र सदैव पुत्रियों में जाता है और पुत्रियों से यह जीन दूसरी पीढ़ी के पुत्रों में जाता है। इस प्रकार की जो वंशागति है वो क्रिस क्रॉस वंशागति भी कहलाती है। इस प्रकार और भी कई एक्स गुणसूत्रीय लिंक्स हैं लग्न रोग पाए जाते हैं जिसमें हीमोफीलिया वर्णांता को हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। इसके बाद में जैसे रोम विहीनता, बाल पेशी अपविकास, मायोपिया, मिट्रल स्टेनोसिस, निस्टेगमस, रंजकहीनता, ये जो है इसमें जो है आपके सिलेबस के अंदर दिए गए। दूसरा यदि हम बात करें यहाँ पर मनुष्य में प्रभावी लिंग संलग्न रोग, तो यह प्रभावी जीन जो है अक्ष गुणसूत्र पर पाए जाते हैं जैसे दो स्पून दांतों का इनेमल। यह स्थिति महिलाओं में पुरुषों की तुलना में अधिक पाई जाती है क्योंकि मादा में दो अक्ष गुणसूत्र व एक नर में एक अक्ष गुणसूत्र पाया जाता है। वाई गुणसूत्र पर मनुष्य में 17 जीन का पता लगाया जा चुका है, इन्हें वाई संलग्न जीन भी कहते हैं। यह जीन पिता से पुत्र, पुत्र से पौत्र में स्थानांतरित होता है। यह जीन मादाओं में स्थानांतरित नहीं होता क्योंकि मादाओं में वाई गुणसूत्र नहीं होता। जैसे इसका उदाहरण है कर्ण पल्लुओं पर रोमों की उपस्थिति, इसे हाइपर ट्राइकोसिस भी कहते हैं। तो यह रोग जो होगा केवल जो है पुरुषों में ही होगा, महिलाओं में ये नहीं पाया जाता है। लिंग संलग्नता के जो प्रकार है वो तीन प्रकार पाए जाते हैं। पहली लिंग संलग्नता है वो है डाइजेनिक, इसमें लिंग संलग्न जीन एक्स गुणसूत्र के विषम जात भाग में पाए जाते हैं और यह लक्षण पिता से पुत्री में होते हुए पौत्र में जाते हैं, अर्थात लक्षण नर से मादा में होते हुए नर को जाते हैं, पिता से पुत्री में जाएंगे और फिर पौत्र में जाएंगे। दूसरी जो लिंग संलग्नता है वो है डाइसेंट्रिक, कि जब अभिलक्षण माता से पुत्र में होते हुए पौत्री में जाते हैं तो इसे डाइसेंट्रिक लिंग संलग्नता कहते हैं। इससे लक्षण या जीन का स्थानांतरण मादा से नर में होते हुए मादा को ही होता है। तीसरा जो लिंग संलग्नता है वो है होलोजेनिक, कि जब अभिलक्षण माता से पुत्री व पुत्री से दोहित्री में जाते हैं तो होलोजेनिक कहलाते हैं। यह लक्षण मादा से मादा में ही स्थानांतरित होते हैं, जैसे माता से पुत्री, पुत्री से दोहित्री। चौथा जो है इसमें वो है होलेंड्रिक, कि जब अभिलक्षण पिता से पुत्र व पुत्र से पौत्र में स्थानांतरित होता है तो इसे होलेंड्रिक लिंग संलग्नता कहते हैं और यह वाई संलग्न जीन है। यह नर से नर में स्थानांतरित होती है, पिता से पुत्र में और पुत्र से पौत्र के अंदर। इस प्रकार से जो है लिंग संलग्नता मनुष्य के अंदर पाई जाती है। और नेक्स्ट जो है हम अगले वीडियो में और डिस्कशन करेंगे। इसके अतिरिक्त आपके इसमें रिमेंबर इट और टिप्स ऑन जूलॉजी के अंदर आपके कुछ विशेष टिप्स इसमें दिए गए हैं जो कि आपको देखने हैं इसमें, कि वर्णांता को एनेमेलोस्कोप या इशिहरा कार्ड्स की सहायता से परीक्षण किया जाता है। इसमें 15 सेकेंड के लिए 100 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है। ऐसी लिंग संलग्नता जिसमें जीन्स
ग्रांड चिल्ड्रन को विपरीत लिंग के शिशु द्वारा वंशागत होते हैं। इसे क्रिस क्रॉस वंशागति कहते हैं। क्रिस क्रॉस वंशागति लिंग सहलग्नता को ही व्यक्त करती है। नॉन क्रिस क्रॉस वंशागति ऑटोसोमल व लिंग सहलग्नता दोनों प्रकार की होती है। मनुष्य में एक्स गुणसूत्र पर लगभग 102 जीन पाए जाते हैं। इस प्रकार से आपको ये जो टिप्स दिए गए हैं इनमें से सभी को आपको लर्न करना है। ओके, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम थर्ड यूनिट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।